नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक कवि सम्मेलन। आपकी भारी डिमांड पे हम कवि सम्मेलन लेके आए हैं, जहाँ पे कुछ कवि अपनी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ आपके सामने रखेंगे। बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ, आपको फील जरूर होगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बुलाते हैं अपने पहले कवि मिस्टर चप्पल लाल अग्निहोत्री। चप्पल लाल जी, आइए आइए आइए, ये रहे चप्पल लाल। क्या यार, क्या हो गया सर? चंदन लाल, माफ करिएगा, तो इनका नाम मिस्टर चप्पल लाल है, मतलब चंदन लाल। चंदन लाल। तो चप्पल लाल आपको एक चंदन लाल, चंदन 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 लाल, चंदन लाल जी आपको एक कविता सुनाएंगे। सर एक कविता सुना दीजिए। तो मेरा कविता का शीर्षक है आप मजे में तो हम भी मजे में। तो मैं अपना कविता शुरू करता हूँ। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है। मुन्नी बदला मुई डार्निंग तेरे लिए, मुन्नी रे ओ मुन्नी रे। वाले क्या वाह, क्या कविता है। आग लगा दिया दिल में, आग लगा दिया कान में, आग लगा दिया। कॉपी कर रहा है साला, कविता कर अपना, दूसरों का छाप रहा है। नहीं कविता कर, अपना कविता बोल। ये क्या लग रहा है आपको, कॉपी है? ठीक है, मैं अपना कविता सुनाता हूँ। मैं मुठिया मारा हुआ हाथ से लिखा हूँ, आपको पसंद जरूर आएगी। तेरी चू तेरी चू तेरी चूड़ियों की खनखन से मेरा मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया। बाबा आग लगा दिया जमीन फाड़ दिया, आग लगा दिया जमीन फाड़ दिया, साथ में कान भी फाड़ दिया। बस सारे कैसा कैसा अश्लील कविता करता है, खोपड़ा फोड़ दो बस। दोस्तों मेरे कविता को बहुत 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 प्यार दिया। अब मैं चलता हूँ, कोई और कवि आने वाले हैं। ठीक है, टाटा। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ। ये जो भोसड़ी वाले कवि थे, ये चुतिया थे, जाने दीजिए, इसको इग्नोर करिए। हमारे अगले जो कवि आते हैं वो बहुत ही पुराने कवि हैं, बहुत अच्छे कविता लिखते हैं, आपको दिल को जरूर छुएगी। तो एक मौका और दे और बुलाते हैं हमारे अगले कवि को, तो जिसका नाम है मिस्टर हरिलाल। हरिलाल जी आइए, ये है हरिलाल। हाँ जी जी बिल्कुल सही, ये है हरी लाल। हरी लाल लाल जो गांड मारते हैं खून निकलता है वो। हाँ हाँ, मतलब हरी लाल ये हरी लाल 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 हरी लाल, ये आपको कविता सुनाएंगे, तो एंजॉय करिए। तो शुरू करता हूँ, मेरी कविता का शीर्षक है दुख। शुरू करते हैं। बीबी ने मारा पति को चप्पल की, बीबी ने मारा पति को चप्पल। वाह वाह, मजा आ गया। क्या मजा आया, एक पत्नी उसके पति को चप्पल से पीट रही है, आपको क्या मजा आया ये बताओ। क्या मजा आया बोलो। 20 रुपए में आती है मजा, आपको भी चाहिए क्या? बड़ी वाली भी आती है, कोई बात नहीं, आपको आनंद आएगा। ये बहुत गहरी कविता कहते हैं, आपको आनंद आएगा, बस बने रहिए। आप कविता सुनाने का मूड नहीं है मूड, कविता सुनाने के लिए भी एक मूड होना चाहिए, वो मूड मेरे पास नहीं है, बिल्कुल खत्म। तो गांठ देने के लिए मूड है, आप करिएगा दर्शकों। इन जैसे भी कविता थे हम माफी चाहते हैं, अब आपको हम खुद कविता सुनाएंगे, बहुत ही दर्द वाली और बहुत ही भावनात्मक कविता सुनाएंगे, आपको फील जरूर आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब मैं पेश करता हूँ आपको अपनी कविता, और मेरी कविता का शीर्षक है लंड। जी हाँ, लंड, नाम पे मत जाइए, कविता बहुत ही गहरी है। तो मैं पहली पंक्ति आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि आसमान में उड़ती चिड़िया जमीन पे रहते पशु, आसमान में उड़ती चिड़िया जमीन पे रहते पशु। जी हाँ, आसमान में उड़ती चिड़िया और जमीन में रहते पशु। क्या बताया है, वाह वाह क्या बताया है, हमें तो पता ही नहीं है। ऊपर आसमान में चिड़िया, नीचे में पशु, वाह वाह मजा आ गया। आसमान में रहती चिड़िया और जमीन पे रहते पशु। और इस कविता को लिखे थे सिद्धि चंद्रलाल बसी जी। अरे किसी को समझ ही में नहीं आता कविता कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए और हम कहे पापा से कि बैट ला दो,
मेरे लिए बाबा। ये वही जो पागल है क्या, क्या क्या सुनते रहता है क्या? अरे चूतिया, ये क्या शायरी है, कविता है ये? किसी को समझ ही में नहीं आती हमारी इतनी गहरी शायरी है। जाने दीजिए, विदा लेते हैं इसी के साथ, धन्यवाद।